इवैक्यूएट कर जाते हैं और इसके पूरे प्रोसीजर्स हैं और हमारा क्रू इस बात के ऊपर ट्रेन होता है। तो अभी इस पूरी सिचुएशन के ऊपर कहना, वो जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कबल वक्त है, इस टाइम पे सिर्फ मेरी तमाम दुआएं उन लोगों के साथ हैं जो कि लवाहिकीन है, ऐसे लोगों के जो कि हमारे साथ है। ये एक बहुत ज्यादा दिलखराश वाकया और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अफसोसनाक है, किसी भी एयरलाइन के लिए या किसी भी एक एविएटर के लिए इससे ज्यादा अफसोसनाक वाकया हो नहीं सकता। अभी तक इसके ऊपर हम यही कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला साहब हमारे साथ है और उनका यही कहना है कि अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा और तैयारे का हादसा जो ये पेश आया है, ये लैंडिंग ना खुलने की वजह से पेश आया है या कोई टेक्निकल और खराबी है, ये नहीं कहा जा सकता। एक बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पहले देखा जाएगा कि क्या वजूहत हैं, क्या कंट्रोल टावर से रब्ता हुआ है, स्ट्रेस कॉल आई थी और अगर आई थी तो क्या मुकालमा हुआ था, ये सब चीजें जो है ये इन्फॉर्मेशन वो गैदर करेंगे और उसके बाद ही इस पोजिशन में होंगे कि वो बता पाएं कि हादसे की वजह क्या है। लेकिन ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये मॉडल कॉलोनी के मनाजिर हैं जहां पर ये तैयारा हादसे का शिकार हुआ है और ये वो गली है जिस गली पर ये के घरों पर ये तैयारा गिरा है और उसके बाद इन घरों में भी आग लगी है। धुएं के बादल काले गहरे धुएं के बादल उठे हैं और उसके बाद रेस्क्यू की टीम्स वहां पहुंचना शुरू हुई हैं। अब काफी ज्यादा मुश्किलात भी हैं, लोग यहां पर मौजूद हैं, जो गली के लोग हैं, रिहायश पजीर हैं यहां पर, वो भी निकलकर खड़े हुए हैं और आसपास के जो गलियां हैं या इलाका है वहां से भी लोग पहुंचे हैं। तो उनसे गुजारिश यही है कि इस गली को खाली किया जाए और लोग यहां पर ज्यादा तादाद में जमा ना हो ताकि रेस्क्यू एहलकार वहां पर पहुंचे, एम्बुलेंस पहुंचे और फायर टेंडर्स वहां पर जल्दी से जल्दी पहुंच सके और लोगों को निकाला जाए।